सोनपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत के शाहनगर गांव में मृतक शंकर चौधरी का खबर सुनते ही पश्चिम बंगाल सहित बिहार के भारी संख्या में उनके आवास पर भीड़ लगने लगी। रविवार को मृतक के आवास पर प्राणपुर विधायक निशा सिंह मृतक के आवास पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में कर रहे मजदूरी अन्य परिवारों द्वारा भी अपने बाल बच्चे से पिता एवं माता द्वारा हालचाल पूछा जा रहा है। वहीं मृतक शंकर चौधरी के पिता खोखा चौधरी व माता कौशल्य देवी रोते बिखरते कहीं कि हम लोगों का यही सहारा था, हम लोग बूढ़े व्यक्ति हैं, हम लोगों को कौन खिलाएगा, हम लोगों का यही एक भरोसा मेरा एक पुत्र था, आप घर आकर वहीं पर टेम्पो खरीद कर वहीं पर कमाएंगे और माता पिता को देखेंगे। उसके कुछ देर बाद ही यह घटना की सूचना परिजनों को मिली। उनकी माँ कौशल्य देवी का कहना है कि मेरा बेटा को किसी की नज़र लग गई जो मेरे बेटे ऊपर वाले ने उठा लिया। जानकारी के अनुसार मृतक शंकर के पड़ोसी गांव के रहने वाले मृतक के साथ तीन व्यक्ति थे, नाम पप्पू चौधरी, भोला राय, रतन परिहार, एक साथ रहते थे। उनके साथी द्वारा ही घर पर सूचना दिया गया कि उनकी इस प्रकार की घटना घटी है और उसके बाद वहाँ से कुछ तस्वीर मृतक की आई और तस्वीर आते ही पूरी गांव में मातम छा गया। हालांकि तीनों साथी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, फन परिवार वाले भी अपने अपने परिवार को लेकर रो रो कर बुरा हाल है, कहीं हम लोगों के बेटे के साथ हुई तो कहीं वही मृतक शंकर वाला हाल तो नहीं होगी। तीनों शास्त्री के पिता परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि वहीं पर सीमेंट का ब्लॉक फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री मालिक का नाम मुबारक बताया जाता है। बता दें कि मृतक शंकर चौधरी चार भाई है, सबसे बड़े भाई का नाम प्रदीप चौधरी, दूसरा दीपक चौधरी, तीसरा पंकज चौधरी तथा सबसे छोटा मृतक शंकर चौधरी। तथा मृतक शंकर चौधरी का शादी नवंबर में होने वाला था। शादी विवाह की बात मृतक शंकर के पिता लगभग तय कर चुके थे। पूरा पंचायत में मातम सचा गया है। वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया प्रताप सिंह, चंदन सिंह, परिमल मंडल, महलाल शर्मा, अरुण सिन्हा, भारी संख्या में ग्रामीण ने सहित अन्य ग्रामीण आदि लोगों ने सरकार से अविलंब मुआवजा देने की मांग की है। कोशिश होगी कि इन लोगों को वो मुआवजा मिले ताकि इनकी जो है थोड़ी बहुत तो भरपाई होगी। और ये लोग बहुत दुखी हैं अभी और ऐसी घटना अब क्या कहा जाए। एक तरह से तो आप यही कहिएगा कि इनका बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है, अचानक कोई मृत्यु इनकी ऐसी थोड़ी ना हुई है, आतंकवादी हमला से हुआ है और देश के लिए ही ये कुर्बान हुए हैं। जब भी देश के लिए कुर्बान हुए तो शहीद का दर्जा भी तो मिलना चाहिए। अब इस बात की तो हम मांग करेंगे, आगे उन लोग के निर्णय है कि लोग क्या करते हैं। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन, अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpan